नमस्कार, सुजाता की रसोई से में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज मोमोज, वो भी सोया चंक्स के साथ। ये बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ही पसंद आते हैं। और इसके साथ हम दो तरह की चटनी बनाएंगे फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये फ्रेंड्स, मैंने 1 कप मैदा लिया है और ये मैं स्टफिंग के लिए 1 कप सोया चंक्स लिए हैं। मैंने इसको 1 घंटा भिगो दिया था गुनगुने पानी में और इसको निकाल दिया पानी इसका। और एक प्याज लिया बारीक कटी हुई, एक गाजर ली है इसको ग्रेट किया है, थोड़ी सी पत्ता गोभी ली है इसको भी ग्रेट कर लिया है, और 4-5 लहसुन को भी मैंने बारीक काट लिया है, 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी मैंने ग्रेट कर लिया है। और ये हमने ऑलिव ऑयल लिया है। और ये फ्रेंड्स, चटनी के लिए मैंने 3 टमाटर को उबाल लिया है और साथ में मिर्च को भी उबाल लिया है, और टमाटर के छिलके भी उतार दिए हैं मैंने। ये 12 मिर्च ली है मैंने। ये नमक लिया है, ये काली मिर्च का पाउडर लिया है, ये मैंने सिरका लिया है वाइट वाला, ये लाल मिर्च का पाउडर लिया है, एक बड़ी प्याज लिया है इसको बारीक काट लिया है, और ये मैंने अदरक लिया है इसको रफली काट लिया है, और ये मैंने 7-8 लहसुन की कलियों को मोटा काट लिया है। ये फ्रेंड्स हम चटनी के लिए ले रहे हैं। और ये ऑयल लिया है। सबसे पहले हम चटनी की तैयारी करते हैं। इसमें 4 चम्मच हम तेल डाल देंगे, ये छोटी चम्मच है। तेल अच्छे से गर्म हो जाए, अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे और इसको फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है हमें, इसका कच्चापन दूर करना है सिर्फ। इसी तरह से भुनना है इसको हमको। अब अदरक भी डाल देंगे, अदरक को भी हम भून लेंगे। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, प्याज को भी अच्छे से भून लेना है, वो ध्यान रहे लाल नहीं करनी है इसको। इसी तरह ट्रांसपेरेंट सी करनी है। ये हो चुकी है प्याज। अब इसमें हम ये टमाटर डाल देंगे उबले हुए, और साथ में जो ये मिर्च भी हमने भिगोई थी ये भी डाल देंगे। अब बहुत अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे इनको। अब इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। अब इनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने 1 टीस्पून सिरका भी डाल दिया है वाइट वाला। अब इसको इस तरह से कूट लेंगे जो मोटे टुकड़े हैं टमाटर के। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो चुका है। इसको ठंडा करके हम मिक्सी में पीस लेंगे। अब हम इसका डो लगा लेते हैं मोमो का। इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। इसको मिला लेंगे थोड़ा सा, और इसमें हम ऑयल डाल देंगे फ्रेंड्स, 3 चम्मच के करीब डालेंगे। ये नॉर्मल चम्मच है छोटी। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे नमक और तेल बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है ये। अब इसमें हम पानी डाल करके, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सॉफ्ट डो लगाएंगे इसका, एकदम से टाइट नहीं लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, सॉफ्ट डो लग करके तैयार हो चुका है। अब इसको हम एक साइड रख देंगे ढक करके। ये देखिए मसाला ठंडा हो गया था, हमने इसकी चटनी बना ली है। बहुत ही बढ़िया चटनी बन के तैयार हुई है। मैं आपको दिखा देती हूँ ये किस तरह से बनी है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया बनी है ये। एक चटनी और बना रही हूँ मैं फ्रेंड्स इसके साथ ही। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। 2 टमाटर लिए हैं, 2 मिर्च को मैंने काट लिया है, और 2 लहसुन को भी मैंने काट लिया है, और नमक लिया है। इन सबको मिला करके हम पीस देंगे फ्रेंड्स। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, और फ्रेंड्स ये ज़्यादातर हमारे देहरादून में बनाई जाती है चटनी। ये देखिए मैंने इसको पीस दिया है। इसको एक बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, याद रहे ये इसको दरदरा पीसना है। बहुत ही लाजवाब बनती है ये, इस तरह की बनाइएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होती, बहुत ही जल्दी बन जाती है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। एक कढ़ाई में हमने थोड़ा सा तेल डाला है, इसमें लहसुन डाल देंगे, इसको भून लेंगे।
ये देखिए ये लहसुन भुन चुका है। अब इसमें अदरक डाल देंगे, अदरक को भी इसी तरह से थोड़ा सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं भूनना है इनको। अदरक भी भुन चुकी है, अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, प्याज को भी अच्छे तरह से भून लेंगे, ध्यान रहे पर लाल नहीं करनी है हमने। इसी तरह से चलाएंगे, ये प्याज भी हो चुकी है। अब इसमें हम गाजर डाल देंगे जो ग्रेट की थी, पत्ता गोभी भी डाल देंगे। इस तरह से स्टफिंग बनाएंगे फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। थोड़ा सा चला लेंगे इसको और इसमें ये सोया चंक्स डाल देंगे जो हमने भिगो के रखे थे। एकदम से इनको बिल्कुल नहीं निचोड़ना है, थोड़ा जूसी रहने देना है। और एक चम्मच हमने इसमें सिरका डाला है, एक टीस्पून, बहुत ही लाजवाब बनेगी फ्रेंड्स। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, ध्यान रहे फ्रेंड्स चटनी में भी नमक होगा और हमने मैदे में भी नमक डाला है। और एक चम्मच हम ये काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है और एकदम चटपटा सा बहुत ही बढ़िया बनेगा ये। इसका मॉइस्चर नहीं सुखाना है फ्रेंड्स, बस इसको हमें मिक्स कर देना है, एक दो मिनट के लिए ऐसे ही मिक्स करना है इसको। अब ये देखिए रेडी हो चुका है, मैं इसको सर्व कर ले रही हूँ। गैस बंद कर दी है हमने और ऊपर से हम इसमें आधी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। ये स्टफिंग हमारी बन करके रेडी है, ये बहुत ही लाजवाब बनी है। अब ये आटे को हम थोड़ा चिकना कर लेते हैं, छोटी छोटी सी बॉल्स निकाल लेंगे इसकी। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह की हमने सारी बॉल्स तोड़ ली हैं, ज़्यादा आटा नहीं लेना है, इतना ही लेना है मैदे को। अब इसको हम सूखा मैदा लगा करके बेल लेंगे, बिल्कुल पतला, इतना पतला बेलेंगे फ्रेंड्स कि हमारे फिंगर तक पीछे की साइड से दिखे। अभी हम स्टफिंग भर देंगे इसमें, बहुत ज़्यादा ना भरें, ये देखिए फ्रेंड्स नहीं तो फट जाते हैं बहुत ज़्यादा भरते हैं तो। इस तरह से इसको हम बंद करेंगे, हम ये देख सकते हैं हम, बहुत ही ईजी है। इस तरह से चुन्नटे डालते जाएंगे, ये देख सकते हैं ये बहुत ही लाजवाब बना है। इसको इस तरह से मोड़ देंगे, अच्छी तरह दबा देंगे ताकि ये फटे नहीं। ये देखिए बहुत ही लाजवाब बने हैं। ये मैंने छन्नी को ग्रीस कर लिया था पहले ही और सारे मोमोज इसमें डाल दिए हैं और एक कढ़ाई में मैंने पानी रख लिया है। अब इसको हम स्टीम करेंगे 12 मिनट के लिए और इसको हम पहले ढाँक देंगे। और आप बीच बीच में इसको चेक भी करते रहिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए हमारे 12 मिनट हो चुके हैं। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो फ्रेंड्स आप इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये बनके रेडी हो चुके हैं। ये चटनी भी देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दो तरह की बनाई है, ये बहुत ही बढ़िया चटनी बनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको बिल्कुल महीन नहीं पीसना है, इस तरह से दरदरी रखिएगा और इस चटनी के साथ तो बहुत ही लाजवाब लगते हैं। अब मैं आपको एक तोड़ करके भी दिखा देती हूँ कि इसकी स्टफिंग बहुत ही लाजवाब, और आप देख सकते हैं इसकी स्किन भी बहुत अच्छी है मोमो की। देख सकते हैं आप वेज मोमोज बनकर के एकदम रेडी हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं ये, आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे फ्रेंड्स। और इसकी स्टफिंग की तो कहने ही क्या फ्रेंड्स, एक बार इस तरह की ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और फ्रेंड्स आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।